बोले नथुनी पे गोली मारे। अच्छा बहुत दिन तक हम समझिए नहीं पाएंगे नथुनिया पे गोली मारे जिंदा कैसे। जब से सिपाही से पहले हवलदार हो नथुनी पे गोली मारे क्यों नथुनी पे गोली मारे सैया हमार। लड़की के नथ माटी के मूरत से इतना बा प्यार, माटी के मूरत से इतना बा प्यार, असली मूरत पे काहे बोला अत्याचार। माटी के मूरत से इतना बा प्यार, असली मूरत पे काहे बोला अत्याचार। अरे ये वो बेस देखे ना, गेट बंद करो, गेट बंद करो। और सुनवर्षा जो है ना मेरी कर्मभूमि रही है, मैं तो बचपन में यहाँ खेला हूँ, सब गली मोहल्ला को जानता हूँ। पानी में बाढ़ आवे से कूद कर ये पानी में मछली मार दिया। यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। महिपाल जी किधर है? महिपाल जी, हाँ ये महिपाल जी है, बहुत पुराने, ये बहुत बहुत अच्छे दर्शक हैं ये। इनका जब पान की दुकान में जब लंबे लंबे बाल थोड़ा गाना बजता था, इनके यहाँ हम लोग गाना सीखे हैं। उसके बाद इस धरती के लिए मैं बड़ा अपनापन है इस धरती से, और इसलिए मैं यहाँ आया नहीं हूँ। ये समझिए कि आप आज पहली बार मिले हैं, हमको जिसके तिसके बैठ बैठ के आप लोग को ढूंढते थे, कोई मिलते नहीं थे। मेरा एक दोस्त हमारा बहुत यहाँ पर अपने लोग हैं, लेकिन फिर भी आज आया हूँ स्टूडियो इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्टूडियो का उद्घाटन करने आया हूँ। राजा जी हैं, राजा सामने तो आजा, सामने तो आजा, ये है मिस्टर राजा। तो ये राजा जी ने बुलाया है और इनके स्टूडियो का भी उद्घाटन बड़ा अच्छा बनाया है ये, बहुत बड़े लेवल का लग रहा है, कलरफुल ऊपर भी थोड़ा दिख रहा है। सर विक्की यादव जी से चैनल भी बन रहा है आपकी। सर आने वाली कौन से ऐसे गाना है जो ज्यादा गाना? तो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे गाने का बोल तो हम लोग पहले बताते नहीं है, लेकिन अभी शिवम बिहारी और मेरा बहुत सारा एल्बम है जो निकट भविष्य में बहुत जल्दी आएगा, तो अभी मुझे शिवम को लॉन्च करना है। लगातार जो है धमारा घाट में आपका सुर्खियों में बने रहते हैं, उससे वहाँ का क्या वास्ता है आपसे, और लगातार जो है उसको लेकर के आप आंदोलन प्रदर्शन और उसके उत्थान के लिए करते हैं, क्या है? ये जिला कौन सा हो जहाँ मैं बैठा हूँ? सहरसा। क्या सहरसा जिले में ओवरब्रिज के लिए मैं नहीं 4 दिन तक अनशन किया क्या जी? आप धमारा चले गए खगड़िया। मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ, मुझे जहाँ लोग बुलाते हैं कि आपकी आवश्यकता है, मैं एक चीज बताऊँ, मैं हूँ कलाकार,
मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझसे कोई डरता नहीं है, लेकिन मुझे लोग प्यार करते हैं। जब कोई आंदोलन करता है वहाँ मैं जाकर बैठ जाता हूँ, दो ही बातें होती हैं, या तो नीतीश कुमार जी काम तुरंत कर देते हैं या फिर मुझे उठा के जेल में डाल देते हैं। तो इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं कि जेल भी जाएंगे तो फेमस हो जाएंगे। जितने जेल कांग्रेस वाले इंदिरा जी ने जितने को जेल में डाला सब आज बन गया मुख्यमंत्री, और ये तो या तो उठा के जेल में डाल देते हैं या फिर काम कर देते हैं। तो मुझे लोग बुलाते रहते हैं कि सर देखिए ना 12 दिन से पड़े हुए, कोई पूछने रहा थोड़ा आप आ जाते तो मैं चला जाता हूँ। और जब भी कोई सामाजिक काम हो, देखिए इस देश में जात पात की वजह से विकास नहीं हो, वरना विकास करने के लिए 5 साल बहुत है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान ने अभी 75 सालों में जितना हम आगे बढ़े इतना सिर्फ 5 साल में आगे बढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है थोड़ा हम पब्लिक भी दोषी हैं कि हम जात पात के नाम पे वोटिंग करते हैं, और नेता लोग क्या करता है जात पात के नाम पे ही ये करता है, वैसा कैंडिडेट देगा जो जात पात के नाम पे जीत के आ जाए, टैलेंट से कोई मतलब नहीं। तो विकास वकास हुआ नहीं। अब आप एक चीज बोलिए कि एक ओवरब्रिज के लिए जब मैं आके बैठा था सहरसा में, तो उसके पहले मैंने सुना कि 17 सालों से लोग एक ओवरब्रिज के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब बताइए जो भी अगर नीतीश कुमार जी तक ये बात पहुंचे या सहरसा डीएम के पास ये बात पहुंचे तो लानत है ऐसे पदाधिकारी पर, ऐसी सरकार पे जो एक ओवरब्रिज के लिए 17 साल से यहाँ का लोग भूख हड़ताल करे। और मुझे भी बैठे हुए कम से कम 7 साल हो गए, तो 17 में 7 जोड़ दीजिएगा, 24-25 साल से लोग एक ओवरब्रिज के लिए हड़ताल कर रहे हैं। लानत ऐसे सरकार को, और लानत ऐसे विकास को, और लानत ऐसे विकास पुरुष को जो ये कहता है हमने विकास किया, हमने विकास किया। कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल लोग हैं जो भोजपुरी गानों और उसके भोजपुरी भाषाओं पर सवाल उठाते हैं, उसको लेकर के क्या कहना है? सवाल क्या उठाते हैं? यही चीज नहीं होना चाहिए, अभद्रता है और इस तरह की बातें आती है। आपकी क्या राय है? हमारी तो राय है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर हुआ तो भोजपुरी सबसे ज्यादा लोगों के जुबान पे रहता है, और संगीत जो है लगातार अगर हिंदी को बहुत ही कम क्राइटेरिया माना जा रहा है, लेकिन जो भोजपुरी है खास करके आपकी जो गाने हैं वो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गुनगुनाते हैं, तो क्या कहना है इसको? इसमें सवाल ही गुम हो गया। सवाल क्या है? सवाल क्या था? अश्लीलता। जी देखिए अश्लीलता एक पत्रकारों का फेवरेट विषय है पूछने के लिए, अश्लीलता के बारे में बताइए। तो इसके कई जवाब हैं। एक तो अश्लीलता आज नहीं फैली, अश्लील सुनने वाले लोग हैं इसलिए अश्लील गाने वाले भी लोग हैं। जब तक अश्लीलता लोग सुनते रहेंगे तब तक गाने वाले गाते रहेंगे। तो अश्लीलता का मतलब होता है कि लोग ये समझते हैं चोली चुम्मा खटिया पटिया, इसको लोग अश्लीलता मानते हैं। हमारा जो अंग प्रदेश है, अंगिका के जो गायक हैं, मिथिलांचल के जो गायक हैं, तो बहुत आगे चले गए अश्लीलता के मामले में। और इन्होंने तो मतलब मुझे लगता है कि भोजपुरी से ज़्यादा आगे चल रहे हैं, अभी भोजपुरी से पीछे नहीं चल रहे। लेकिन मैं तो आपको उससे ऊपर की बात कहता हूँ। अश्लीलता मुझे लगता है कि चलो ठीक है, जब अश्लील गाना बजता है तुम्हारी माँ बहनों को कहीं जाने में दिक्कत होती है, दिक्कत ही होती है ना। लेकिन मैं आज आपको चीज बता रहा हूँ जिस पर आप किसी पत्रकार का मीडिया का प्रशासन का ध्यान नहीं गया होगा। जब कोई कलाकार ये कहता है कि अगर तुमसे मेरी शादी नहीं होगी ना तो सीधा गोली मार दूंगा, इसको क्या कहेंगे? कल परसों मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को गोली मार दी। मैं तो कहता हूँ ये सब गायक लोग करवा रहे हैं, आप तो अश्लीलते पटके हो, चुमा चुली खटिया पटके हो। मैं तो कहता हूँ कि जब भी कोई प्रेम में असफल होता है और लड़की को ब्लेड मारता है, गोली मारता है, ये सब गायक लोग करवा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े गायक गाते हैं अगर शादी नहीं हुई तो देख लेना तुम्हारे तो बारात वाले को गोली मार देंगे, तुमरो तो फसरी लगा देंगे, तुमरो तो ये कर देंगे, तुमको तो वो कर देंगे। अगर वो गाना सुन के एक भी व्यक्ति अगर अपनी प्रेमिका को मार दिया, ये कौन कर रहा है? हमारा गायक या हमारा फिल्म बनाने वाला? आज मैंने 8-10 सालों से कोई फिल्म नहीं की है, पता है? मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसमें एक शब्द भी अगर ऐसा है इससे समाज पे खराब असर पड़ेगा तो मैं नहीं करूँगा। और मैंने सोच लिया कि साल में करूँ या 5 साल में करूँ या 10 साल में करूँ, एक फिल्म करूँगा जिसको दादी पोती माँ में 3 जनरेशन बैठ के एक साथ देखे। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, एक समाज में मैसेज जाए। तो मैं आजकल मैसेज वाली फिल्में करना चाह रहा हूँ।
अब ये अलग बात है, अभी ये जो होली में था इससे पहले वाले होली में हमने गीत गाया था, एक नौजवान युवक बोलता है आओ मेरे से रंग लगवा लो, तो लड़की बोलती है पेड़ लगाओगे तो रंग लगवाऊंगी, पानी बचाओगे तो मोहनी कराऊंगी। ये मेरे गाने का थीम होता है, पेड़ लगाओगे तो रंग लगवाऊंगी, पानी बचाओगे तो मोहनी करवाऊंगी। आज मैं 6 महीने से यहाँ पर हूँ, अरे हमारे ड्राइवर पाइप चला दीछे, गाड़ी भिजा दीछे, रगड़म कर रहे पानी जा रहा है, दौड़ का तो क्या कर रहे पानी भर सर, तो चलता है चलता है। तो यहाँ लोग पानी बर्बाद करते हैं, बिजली बर्बाद करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे गाया जा सकता है, जिस पे काम किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को, राइटर लोगों को, सिंगर लोगों को एक ही मैटर लगता है कि मैटर क्या है कि फाड़ दबोगे, धाइस दबोगे, घुसेड़ दबोगे, मार दबोगे, चरसा तोड़ दबोगे। अब ये हमारा ही कोई मित्र गायक जब गाता है कि तो हर चरसा दबो फाड़ है मऊ की, और उसके बाद जब मर्दबा मरता है औरत को तो मरवाने वाला कौन? मेरा सिंगर, मेरा राइटर। क्या छैला भैर ने कभी किसी को बोला है कि मार के फाड़ देंगे? हम गाते हैं माटी के मूरत से इतना बा प्यार, माटी के मूरत से इतना बा प्यार, असली मूरत पे काहे बोला अत्याचार, माटी के मूरत से इतना बा प्यार, असली मूरत पे काहे बोला अत्याचार। ये है कि आप मिट्टी का भी दुर्गा पूजा में मारे नारियल बतासा तोड़ते आप उन्हें जहना निकलते ना, कोई लड़की देना धक्का मार दे बेकार है तुम्हारा पूजा करना। मिट्टी के मूर्त को पूज रहे हो, असली मूर्त को छेड़ रहे हो, अब मौका मिलता है तो ब्लेड मारते हो, गोली मारते हो, क्या से क्या करते हो, तो क्या फायदा है? और उसके बाद बाप के चार को गाली दे दीजिए, अरे यार हर 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 महादेव घर में है, मैया पार्वती घर में उनकी पूजा करो ना। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि पूजा करने से कुछ नहीं होगा, माता पिता की पूजा करो, बहन की पूजा करो, औरत की पूजा करो, स्त्री की पूजा करो, महान बन जाओगे। तो मैं इस तरह का गाता हूँ, पत्नी का रिश्ता मकान तक, बेटी का कन्यादान तक, भाई का रिश्ता शमशान तक, बेटा का अग्निदान तक, भक्त और भोलेनाथ का रिश्ता जुटल इस जहान से उस जहान तक, पहला सुख निरोगी काया, दूसर सुख पास हो माया, तेसर सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख संतान अज्ञाकारी, दे द भूले भंडारी, महिला तो उसे छैला बिहारी। मैं इस तरह के गाने गाता हूँ, तो मैं तो खुद ही बहुत दूर रहना चाहता हूँ, और मुझे तो अगर हम ये प्रशासन में होते ना, इतना डेंगाते ना कलाकार से, मुझे आलतू फालतू चीज गाता है, लेकिन आप लोग तो छोड़ देता, आप लोग अपने अगर वो बोले नथुनी पे गोली मारे, अच्छा बहुत दिन तक हम समझिए नहीं पाएंगे नथुनिया पे गोली मारे जिंदा कैसे जब से सिपाही से पहले हवलदार हो, नथुनी पे गोली मारे क्यों, नथुनी पे गोली मारे सैया हमार, यार लड़की के नथुनिया पे गोली मार दिया तो जिंदा कैसे बहुत दिन तक हम समझिए नहीं पाए, लेकिन जिन लोगों को बड़ा मजा तो क्या है, मैं ये कहता हूँ कि दर्शक को इसका विरोध करना चाहिए, और दर्शक जब विरोध करेंगे, अच्छा ये पत्रकार लोग पूछ देते हैं जी, अश्लीलता फैलाते हैं, अब बढ़िया गरमा को ये लोग भी नहीं सुनते, एक कलाकार ने कहा एक बड़े एक मंच पे जाने का मौका मिला था, वहाँ इस बात की एक जगह पे एक कलाकार ने कहा कि अच्छा गाते हैं तो व्यूज नहीं मिलता है, तो हम ज्यादा बोलते नहीं हैं, जब तक ज्यादा बोलते हैं हम लोग व्यूज पाने के लिए नहीं गाते हैं। मेरा ये देखिए कि छैला बिहारी ने कहा कि हम व्यूज पाने के लिए नहीं गाते हैं, और जिसमें व्यूज मिलना होता है ना मिल जाता है। जब मैंने गाया बाबा जांघी बैठा लेंगे बहिना भैया तुहरे पास, चांद जैसन मुँह करेंगे बहिना काहे कहने छे उदास, चांद जैसन मुँह करेंगे बहिना काहे कहने छे उदास, कत्ते तोरा कहियो हो भैया
कते दियो तोरा ज्ञान अब नहीं खिलते हो भैया मुखड़ा पे मुस्कान। जब ये गाना रिलीज हुआ तो दो चार पाँच साल तो पता नहीं चला व्यूज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चला कि नहीं चला। पाँच साल के बाद अचानक एक दिन देखे तो 10 मिलियन था, फिर 20 मिलियन हो गया। तो हमने इच्छा जाहिर की किसी कलाकार को, मैंने बोला यार 20 मिलियन है लेकिन मैं आज तक किसी प्रोग्राम में गया हूँ तो कहीं डिमांड नहीं होता। तो उसने कहा कि नहीं लेकिन शादी में बचता बोलो। और उसके बाद लगभग 6 महीने बाद जब मैंने सब 20 मिलियन जब गया था, मैंने 6 महीने बाद मैंने देखा कि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है जहाँ मुझे ये गाना गाए बगैर लोग छोड़ता है। और आश्चर्य की बात है कि अभी मैं सरकार का प्रोग्राम था, जिला प्रशासन का प्रोग्राम था औरंगाबाद देव में, और वहाँ 2 घंटे का हमने कार्यक्रम किया। उसका डीएम साहब खड़े हो गया, प्रोग्राम को बंद किया। जब हम सब लोग खड़े हो गया बंद किया जाए, उसके बाद एक ठो इधर से आवाज आते आते 1 घंटा तक प्रोग्राम चला। और 1 घंटे का लास्ट में वहाँ की पब्लिक ने कहा एक बार उत्साह सुना दीजिए बाबा जानी। और उसके बाद जो मैंने गाया बाबा जानी, सारी पब्लिक रो रही थी, डीएम साहब रो रहे थे, और वहाँ जो लोगों ने कहा कि बाप रे ऐसा प्रोग्राम तुम देखे नहीं, 3 घंटे तक आपने प्रोग्राम किया और अश्लीलता को दूर दूर तक आपने छुआ भी। वहाँ पर लोगों ने कहा कि भोजपुरी में आज कोई भी बड़ा से बड़ा कलाकार हो उसको कितनों कहते हैं अच्छा प्रोग्राम करना, अच्छा प्रोग्राम करना है, वो 2 गाना अच्छा गाएगा, 3 गाना में चोरी सब घुसिए जाएगा। अच्छा वो गाना ए राजा जी अब 4 गो लड़की राजा जी मनोज तिवारी का मैंने कार्यक्रम दिखा है, किया भी है। मनोज तिवारी वाला कार्यक्रम ऐसा 3 घंटा तो कर ही नहीं पाते हैं, 3 घंटा तो उनको नहीं कर पाता, 3 घंटा मैं 9 घंटे तक प्रोग्राम करता हूँ। लेकिन मनोज जी 1/2 घंटा 1 घंटा का प्रोग्राम करते हैं लेकिन उसमें अश्लीलता नहीं घुसने। तो कुछ कलाकार हैं जो अश्लीलता के बगैर भी अपना नाम कमाए, बहुत नाम कमाए। ये मनोज तिवारी को हम लोग को जितने भी कलाकार उसको देख के सीखना चाहिए कि 16 लाख का लोग चेक लेके बना कर रखता है, मनोज तिवारी कहता नहीं आ पाऊंगा क्योंकि वो अश्लीलता नहीं है। अश्लील गाने वाले 10,000, 15,000, 20,000 पगला के बौरा के वो बेहोश हो जाता, अरे हमारा बहुत डिमांड है, अरे बाप रे बाप 15,000 मिलता है ये करा, वो तो पगला है, अरे 15-16 लाख का चेक मनोज तिवारी का कटा हुआ चेक रहता है और बोलता है नहीं आ पाऊंगा, पोस्टर चिपक जाता नहीं जाता। तो जो अश्लील नहीं गाते हैं उनका ये भविष्य है। कभी किसी कला मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक भोजपुरी गाना वाला, और मनोज जी के बारे में तो लोग कहते हैं कहाँ कहाँ से जाते हैं, उधर से आवाज आती है उधर से आवाज आती है, तो लेकिन उन्होंने जो काम किया वो भोजपुरी में किसी ने नहीं किया। चार्टर प्लेन में बैठ के जाके प्रोग्राम करने वाले पहले हैं मनोज जी। ये बाकी जो कलाकार कहते हैं व्यूज नहीं मिलता है, तो देखो मनोज जी को कितना व्यूज मिलता है, लेकिन माल मिलता है ना, व्यूज लोगों की माल लेको देख लो, नाम शोहरत इज्जत। आज मनोज तिवारी जी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाते हैं तो शासन प्रशासन DMS सब लगा हुआ रहता है, और उनका नहीं जाता है व्यूज, वो गाना डाल लेंगे कोई भी गाना, गाना में सब है मांग यहाँ पे लगा के व्यूज नहीं आएगा उसका, तो कर आया व्यूज बाकी गाने का नहीं आता, लेकिन माल तो आता है ना, अति इज्जत तो है, इज्जत कमाना है भैया जितने भी नए कलाकार सीख लो, व्यूज लेना है कि पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, इसका कोई लाइफ नहीं है, इसका जो व्यूज समझता है कोई लाइफ नहीं है। और हम भी सीख रहे हैं, हम भी अपने आप को साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल साबुन से नहा रहे हैं कि अगर पहले कुछ गड़बड़ किया था तो उसको। सर आज जो है इंडिपेंडेंट म्यूजिक का उद्घाटन है और उस उद्घाटन में आपको बुलाए गए हैं क्योंकि आप बिहार के हमारे मिथिलांचल के सुपरहिट कलाकार हैं, आंध्र प्रदेश के, और इस कलाकारी क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस मिथिलांचल एरिया के तमाम कलाकारों को स्वागत है और खुशी है कि आप इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में उद्घाटन करने आए हैं। दोस्तों आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन करने का रिबन काटने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा स्टूडियो इन्होंने बनाया है, जो भी मैंने आउटपुट देखा बहुत अच्छा है। तो इस इलाके के जितने भी कलाकार हैं वो भी आइए, मैं रिकॉर्डिंग करवाइए। सोनू सिंह प्रजापति जी हैं, हाँ
जिन्हें हमारे मिथिलांचल के बहुत बड़े राइटर के नाम से जाने जाते हैं। ये सोनू सिंह सोने सिंह प्रजापति सिंह हैं और इन्होंने बहुत सारे गाने हिट दिए हैं। मैंने भैया जिस गाने में अपनी उंगली लगा देते हैं वो गाना फटाक से हिट हो जाता ही। मैंने भैया न जाने मिथिलांचल और अंगिकांग प्रदेश में कितने कलाकारों को इन्होंने जन्म दिया ही। मैंने भैया आइए अब इनसे दो शब्द सुनते हैं। पहले जूनियर भाई से सुन लीजिए, उसके बाद हम बोल देंगे कलाकार। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ आपका भाई, आपका बेटा, भोजपुरी और मैथिली अंगिका गायक। मैं भैया गोर छुके गोर लागत नहीं सबके। हाँ सबके गोर छुके गोर लागत नहीं, अगर अच्छा लगे तो थपड़ी बजा के आशीर्वाद दे दी। मधेपुरा बिहारीगंज। और आज हम सब मेरे आदरणीय गुरु तुल सुनील छेला बिहारी जी और साथ में मेरे एक सुलेंद्र सिंह प्रजापति, एक सोनू सिंह प्रजापति राइटर, आज हम सभी मतलब जितने सारे थे आदमी, जितने नाम लिया मैंने जिनका जिनका, और भी बहुत सारे आदमी आए हुए थे आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक के स्टूडियो के उद्घाटन में, और काफ़ी मज़ा आया और उद्घाटन के। और जितने भी इधर के आप नज़दीकी सिंगर हैं एक बार आप आइए और यहाँ से गाइए, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किए भाई, बहुत ही अच्छा अच्छा सामान भी लगा है रिकॉर्डिंग का। एक बार आइए, मुझे देख के ही पता चलता है कि अच्छा रिकॉर्डिंग होगा यहाँ पे, आप तो काम के बाद ही बता सकते हैं। आइए नज़दीकी कलाकार जो भी है काम चीफ एंड बेस्ट में काम करवाने के लिए। जय हिंद जय महाभारत। थैंक यू सर। सबसे पहले जितने भाई हमको देख रहे हैं सबको प्रणाम, और विशेष क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर तो सब बड़े स्टार और हमारे गुरुदेव सुनील छेला सर के साथ आए हम लोग आज यहाँ पर। जूनियर खेसारी भाई हैं, गौरव लाल यादव जी, सब लोग बोल ही दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक सेंटर का आज उद्घाटन था, तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे। आप लोग जो भाई लोकल हैं आइए यहाँ पर आइए और रिकॉर्डिंग करवाएं, बढ़िया क्वालिटी में होता है सब काम। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरे स्टूडियो चलना चालू हो गया तो इस स्टूडियो के हर एक सुपर हिट गाना आपके कलम की लिखी हुई होगी। उतना बड़ा राइटर तो नहीं हूँ, नहीं नहीं, अभी मिथिलांचल में ऐसी बात चल रही है, एक आप ही का गाना है जो 200-400 मिलियन को पार किया है, तो मिथिलांचल में ऐसा कोई राइटर नहीं है। तो 200-400 मिलियन नहीं गया, 50-60 मिलियन प्लस डीजे का तार तोड़ दिया उसका 200 मिलियन। तो मतलब वो गाना है ना, लेकिन 5-6 चैनल पर्सनली 67 या 70 के आसपास मिलियन है, लेकिन सब चैनल मिला के हो सकता है 200 मिलियन के आसपास, क्या कि 3-4 चैनल पर किसी पे 40, किसी पे 60, किसी पे 62, किसी पे 32 ऐसे।